मॉर्निंग स्टैंडर्ड फर्स्ट ईयर टीच गाइडेंस इन काउंसलिंग गाइडेंस इन काउंसलिंग में आज जो आपका टॉपिक है वो है सामूहिक निर्देशन की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ। जैसा कि आपको पता है कि बेसिकली समूह निर्देशन जो है, समूह में निर्देशन की प्रक्रिया को समूह निर्देशन कहते हैं। इसके माध्यम से हम बहुत सी बातों को, बहुत सी शंकाओं को बच्चों को दूर कर सकते हैं। मतलब एक निर्देशन के द्वारा हम बच्चों की सभी शंकाओं को दूर कर सकते हैं विभिन्न आधार के माध्यम से। अब यह सदने की बात आती है कि इसकी कौन कौन सी प्रविधियाँ होती है। मतलब जब हम क्लासरूम के अंदर या कहीं पे भी, कोई संस्था में या कहीं पे भी जब हम निर्देशन दे रहे हैं, तो ये माना जाता है कि हम इसके अंदर कौन कौन सी विधियों को काम में ले सकते हैं। मैंने 3 से 4 विधि आपको थोड़ी सी स्टार्टिंग में बताई थी, जैसे कि प्रश्न पेटी, जिसके अंदर जो बच्चों का संकोच होता है उसके लिए इसका निर्माण किया गया है। और ये कह सकते हैं समूह, लघु समूह प्रविधि, जो एक लघु के रूप में, लघु समूह के रूप में होती है, छोटे छोटे समूह में बांट के दी जाती है। एक समूह अध्ययन विधि, जिसके अंदर बच्चों को छोटे छोटे भागों में, इकाइयों में बांटा जाता है। इकाई सामूहिक विधि, इस तरह। अब कौन कौन से होते हैं, पहले जो बताया था वो 3 से 4 बताई थी, लेकिन अब आपकी 14 से 15 विधि इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो ये है, कह सकते हैं कि समूह निर्देशन की बहुत सी प्रवृत्तियाँ होती है। अब पहली होती है समूह अधिगम। विशिष्ट प्रविधि के रूप में बैलान एवं अन्य शोधकर्ताओं ने प्रयोग किया। समूह अधिगम और समूह प्रविधि, इस विधि को के रूप में, इसे विशिष्ट प्रविधि के रूप में बैलान और अन्य शोधकर्ताओं ने क्या किया, प्रयोग किया। इस विधि के अंदर क्या होता है कि समूह को छोटे छोटे भागों में, एक इकाई के रूप में, परिवार के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और उसके बाद उनकी समस्याओं का सूची बनाई जाती है, उनकी समस्याओं को सुना जाता है। और फिर क्या किया जाता है बेसिकली, कि जब हम समूह के अंदर ग्रुप बना देते हैं, एक परिवार को इकाई के रूप में किस तरह मानते हैं, मतलब इसके अंदर क्या किया जाता है, इकाई के समान विभक्त कर दिया जाता है और उस इकाई का प्रत्येक उपवर्ग और वर्ग बना दिया जाता है। मतलब एक नेता और एक उपनेता, हर वर्ग का एक नेता और उपवर्ग, और वर्ग का क्या बना दिया जाता है, उपनेता बना दिया जाता है। और उसके भी हाफ पर, मतलब क्या करता है, अध्यापक नियोजन करता है, प्रबंधन करता है और सभी समस्याओं को दूर करता है। इसलिए ये विधि एक मतलब मानी जाती है, समूह के रूप में ये विधि बहुत अच्छी मानी जाती है, जो कि प्रभावी और संचालित होती है। ठीक है, मतलब इसके अंदर कुछ नहीं किया था, इसके अंदर क्या किया था, सबसे पहले एक परिवार की इकाई के रूप में क्या किया गया था, विभक्त कर दिया गया था, और उसका हर वर्ग और उपवर्ग का एक नेता, एक नेता बना दिया गया था, और उससे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं थी वो सुनी जाती थी, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता था, और उसके भी हाथ पर अध्यापन नियोजन और प्रबंधन और इसको संचालित करता था। फिर सेकंड आता है चिंतन को विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार की फिल्मों को बनाया जाता है। चलचित्र के माध्यम से बच्चों के सामने समस्याओं के समाधान को प्रस्तुत किया जाता है, और उसके भी हाव पर, मतलब जो भी समस्या होती है वो छोटी छोटी फिल्मों के रूप में क्या होती है, समस्या डिस्ट्रीब्यूट की, मतलब एक जो समाधान होता है वो दिखाया जाता है।
जैसे हम देखते हैं कि बच्चा अगर पढ़ नहीं रहा है तो हम उसे मोटिवेशनल स्टोरी दिखाते हैं तो उसको पढ़ने की उमंग जागती है, तो वही चीज़ है कि बच्चे की कोई भी समस्या है या कुछ भी तो फिल्म के रूप में दूर की जाती है, छोटी छोटी फिल्मों को बताते हैं जिसके अंदर बच्चे जब उस फिल्म को देखते हैं और उसी तरह उस चीज़ को रिएक्ट करने की, अनुभूति करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, उसी चीज़ को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए मानी जाती है सबसे महत्वपूर्ण विधि होती है। फिर नेक्स्ट आती है प्रश्न पेटी। प्रश्न पेटी आपको पता है, प्रश्न पेटी का मैंने आपको बताया था पहले कि जिन बच्चे जो बच्चे संकोच करते हैं, आत्मविश्वास की कमी होती है, जो समूह के रूप में जो समूह होता है उसके बीच में नहीं बोल पाते, अपनी समस्याओं को नहीं रख सकते, तो उनके लिए ये एक स्वतंत्रतापूर्वक पेटी होती है कि बच्चे अपने व्यूज अपनी समस्याएं स्वतंत्रतापूर्वक लिखकर और इस प्रश्न पेटी के अंदर डालें। और क्या होता है, अध्यापक या परामर्शदाता होता है इसमें से सारी की सारी समस्याओं को देखता है और उसको क्लासरूम के अंदर उसके समाधान को या उनके उपायों को बता देता है, उनके निर्देशन को बताता है, हर चीज़ को क्या करता है वो पूरा करने की कोशिश करता है। फिर अगर नेक्स्ट व्याख्या प्रविधि, विभिन्न प्रकार के जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनके द्वारा व्याख्या दिया जाता है समूह के अंदर। फिर आता है लघु समूह प्रतिवेदन। लघु समूह प्रतिवेदन में क्या होता है, जो समूह होता है उसे विभक्त किया जाता है लघु समूह के रूप में और विशेष प्रश्नों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है और बेसिकली इनको विभिन्न प्रकार की समितियों के माध्यम से पूरा किया जाता है। लघु समूह प्रतिवेदन में विद्यार्थियों के छोटे छोटे समूह में क्या किया जाता है, विभक्त करने के बाद जो समस्या को प्रस्तुत करने के लिए क्या किया जाता है, समस्या का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है और विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट अनौपचारिक वार्ता। इन वार्ताओं में बच्चों को स्वतंत्रतापूर्वक अपनी बातों को प्रस्तुत करने के लिए आदेश दिया जाता है। बच्चे जो अपने मतलब प्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, आर्गुमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, समस्याओं को रख सकते हैं, एक ऐसे बच्चों को इनफॉर्मली टॉक करने के लिए क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। यह आपकी समूह निदेशन की विशिष्ट प्रविधियां थी। कल के वीडियो में नेक्स्ट में आपको प्रविधियां बताऊंगी। आपका होमवर्क है